किसान भाइयों राम राम नमस्कार। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में हूं और खुर्जा से बुलंदशहर को चलने वाले जीटी रोड पर अग्रवाल फाटक है और उस अग्रवाल फाटक के पास ही ये चंदन ठेकेदार का ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर और कटर का ये गोदाम है। आप देख रहे हैं मेरे पास और मैं सड़क के दोनों ओर यहाँ सैकड़ों कटर आपको हर समय मिलेंगी, आपको नई और पुरानी कटर। क्या कटर की तारीफ है, बहुत सारे दर्शक चाह रहे थे चंदन ठेकेदार की कटर की वीडियो देखना। तो किसान भाइयों आज हम आपको चंदन ठेकेदार के जो नई मशीन है थ्रेसर मल्टी क्रॉप कटर उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। सौंसे चंदन ठेकेदार इस काम को कर रहे हैं, आप यहां से थ्रेसर और मल्टी क्रॉप कटर खरीद सकते हैं, चंदन ठेकेदार से ही मिलते हैं। कौन सा कटर थ्रेसर यहां किस भाव पर किस कंडीशन का आपको मिल सकता है, लगातार पूरा वीडियो देखें। जी चंदन भाई, ये जो आप कटर बेच रहे हैं कब से बेच रहे हैं और कौन कौन से तरह के कटर आपके पास सर? मेरे पास केवल राजस्थान के कटर मिलते हैं, केवल ओनली राजस्थान के। अच्छा अच्छा, किस किस साइज के कटर आप रखते हैं चंदन? ये 12-14 हेड नीचे पुच्छड़ की मशीन है, ये पुरानी होती है राजस्थान की, अजीतगढ़ चौमू जयपुर मनूरपुरा यहाँ सब की बिकती हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके जो कटर यहाँ की बनी हुई है क्या खास बात होती है और क्या किस भाव में कौन सी कटर मिल सकती है, थोड़ा सा हमें आपकी एक कटर देख रहे हैं फिलहाल, ये कटर जो देख रहे हैं। हाँ सर, ये सिंगल पंखे की कटर है। अच्छा, सिंगल फैन की कटर है। जी सर, जी सर, ये 12-14, 16-18 का हेड है इसका। अच्छा, हाँ, इसके टायर भी बड़े हैं, बढ़िया कंपनी की कटर है। अच्छा, ये इसमें जो है इसका जो रूटर है, हाँ, उसका ये साइज कितना रहेगा माने आप? इसका 3240 है जी। 3240 जी सर। तो इसके रूटर में आप राजस्थान की में ये जो है ये जो बोल्ट वाला है ये सिस्टम रहेगा कि चकली वाला भी रहेगा? नहीं नहीं, ये बोल्ट वाला ही रहेगा, अगर चकली वाला दूसरा सिस्टम पत्ती लगाएंगे इसमें जी तो उससे दाने टूट जाएंगे, जैसे चना मटर हड़र है। अच्छा, ये मूंग है उड़द है, ये टूट जाएंगे। तो ये जो चेन इसमें दे रखी है ये 3-स्टार गियर है सर। ये 3-स्टार गियर में? जी सर, जी सर। तो ये इसका क्या निकासी रहेगी जी इस घंटे में और कौन सा ट्रैक्टर इस पर बढ़िया काम करेगा चंदन भाई ये बताइए? ये इसमें कम से कम 4500 हॉर्स पावर से ऊपर जी काम करेगा और इसकी निकासी कम से कम 75-80 मन घंटे की गेहूं की होगी। अच्छा अच्छा, हाँ। और भूसा कैसा बनाएगा? बिल्कुल बारीक बनाएगा, बिल्कुल बारीक। अच्छा, इसमें जो बैरिंग है और जो ये आपकी जो फैन बेल्ट है इनकी क्या कंडीशन है इनकी? ये कंपनी की बेल्ट लगाते हैं सर, बैरिंग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, NBC के एस्केप के नहीं लगाते हैं सर। और जो व्हील है इसका कितना वजन होगा? ये वजन 1 क्विंटल 90 किलो है, ये इसमें लिख रहा है 47। जी 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 जी, 47 इंची का व्हील है सर। तो चंदन भाई ये जो आप हम देख रहे हैं इसको आपके कटर को जी, इसमें जो पुराने मॉडल हैं जो आपका नया मॉडल है ना बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नया है जी, बिल्कुल। तो क्या वजन माने जी इसका पूरा वजन? ये इसमें 24-25 क्विंटल के लगभग वजन है। अच्छा, इसकी जो है गारंटी वारंटी भी कुछ रहेगी? एक सीजन की गारंटी है, गेहूँ काटने की फेंकने की तोड़ने की सिरसों की दलिया बनाएगी तो हमारा फोरमैन जाएगा बिल्कुल सही करके आएगा। तो चंदन भाई ये गेहूँ ही निकालेगी क्या और को क्या क्या? ये गेहूँ भी निकालेगी, सिरसों निकालेगी, चना मटर सोयाबीन ये दाल की सब चीज़ निकालेगी। तो चंदन भाई अब इसकी कीमत की बात करते हैं हम इसकी, और इसकी कम से कम ग्राहकों को क्या किस कीमत पर ये कटर? ये सिंगल फैन की मशीन की 2,60,000 रुपये। 2,60,000 रुपये जी सिंगल। और ये हम जो आपका पीछे देख रहे हैं ये बड़ा कटर है, ये वाला जी जी, ये भी 14-16-18 है, ये 3 फैन में बोलते हैं सर। ये 3 फैन में है जी सर। जी जी जी, जी। ये 3 फैन का है, इसकी कॉस्ट हमारे यहाँ 2,80,000 रुपये। अच्छा, 2,80,000 रुपये है जी। इसकी भी गारंटी सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा, ये सिंगल फैन और 3 फैन और 2 फैन वाली भी आप कटर रखते हैं? ये 2 फैन वाली अब नहीं बनी है, 3 फैन यही बन रही है जिसमें ऊपर से ये है। अच्छा अच्छा, तो हवा बनाने वाला। बताइए चंदन भाई ये सिंगल फैन है और ये तीन पंखे हैं जी, जी जी, इसमें क्या अंतर क्या है, खास बात क्या है? निकासी दोनों ही बराबर करेंगी, निकासी बराबर करेंगे, लेकिन गेहूं की साफ सफाई में या दोनों की सफाई होगी, भूसा में क्या अंतर रहेगा? नहीं बिल्कुल कोई अंतर नहीं होगा, केवल ये 3 फैन बोली जाएगी जी। ये 14-16-18 का हेड है इसका जी जी जी, ये जो हेड है 14-16-18 का 3-स्टार गियर है। अच्छा, 3-स्टार गियर जी सर। जी 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 जी, ये मशीन बहुत अच्छी है, हलेगी नहीं चलते में बिल्कुल भी। अच्छा, और काम भी एकदम बढ़िया करेगी, पटाके नीचे ये जो ये इसमें बाल वगैरह टूट जाती हैं तो वो नीचे चली जाती हैं। अच्छा, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं गेहूं में नहीं? हाँ, कोई दाना भी गिरता हो तो एक जगह इकट्ठा होगा, सारे में नहीं फैलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके टायर क्या साइज में है? टायर ये सर 920 के टायर है, कड़ा करने के रेम 8 वोल्ट का एक्सल है इसका। अच्छा अच्छा, भारी वाले हैं, ट्रक के निकले हुए टायर हैं, बिल्कुल कट नहीं होगा एक में भी।
टायर। अच्छा, ये आपका ये चैनल में है, ये सर चैनल में बनी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ चैनल में है, 5 के चैनल में, हैवी वाले में, इसमें वेट ज्यादा मशीन में। भूसा ऊपर से फेंकेगा? हाँ, ये भूसा के 2 हैं, एक हवा वाला ऊपर से। ये जो है इसमें, ये जो ऊपर एक टापा, ये हॉपर बोलते हैं इसे, ये जैसे कोई गंदगी रह जाती है सफाई के लिए, या उसकी बाजरे की बाल भी निकाल सकते हैं इससे, ज्वार की बाल भी निकाल सकते हैं इसमें, डालकर निकल सकता है। मल्टी क्रॉप है जी सर, जी सर। इसके साथ ये जो सरिया दे रखी है, ये नीचे जो चलना होता है, जो जाली होती है नीचे साफ करने वाली, जब उसमें तूड़ा भर जाता है तो इससे निकालते हैं, इसके लिए ये। अच्छा चंदन भाई, इसमें जो है इसकी कीमत भी आपने बता दी है और इसकी गारंटी भी वही? हाँ, ये 2,80,000 की आज की तारीख में, लोहा महंगा होगा इससे। अच्छा, महंगी हो गई ये 2,80,000 की है जी सर। और नए कटर जो आ रही है आजकल जो राजस्थान की है चंदन भाई जी, उनमें सबसे सस्ती कटर कौन सी रहेगी, कितने पैसे की रहेगी? सर 2,60,000 से नई मशीन मेरे पास कोई नहीं है, सिंगल फैन से नीचे, सिंगल फैन से नीचे। अच्छा, ये जो मशीन आप दिखा रहे हैं इससे जो है मटर भी निकालेगी, बाजरा भी निकालेगी, सब निकालेगी, बिल्कुल निकालेगी, बिल्कुल सरसों भी निकालेगी, बिल्कुल निकालेगी। इसके साथ जालियां भी देते हैं? 3 जाली। अच्छा, इस पे 3 जाल देते हैं सर हम। अच्छा अच्छा, जो किसान के यहाँ चलते हों, अच्छा जो भी चीज़ उसके फसल होती हो उनके यहाँ, वही देते हैं। फसल के अनुसार किसान 3 जाली ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी वेल्डिंग और बाकी काम जो, ये तो कम्प्लीट होता है, बेहतरीन, एकदम नंबर एक कमाल होता है। हाँ, तो इसके अलावा और नई कटर कौन सी आप रखते हैं, यही रेट रहेंगे या यही? नहीं, इसमें इसी मशीन में अगर एलिवेटर ट्रॉली भरने वाला लगाएंगे तो उसके लिए 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी मशीन में एलिवेटर? हाँ, भी लग सकता? हाँ, है उधर खड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, वही दिखाई एलिवेटर वाली। चलो जी चंदन भाई, हम आपकी एक कटर देख रहे हैं, ये सर नई मॉडल की है। अच्छा, टोटल चैनल में बनी हुई है, 5 के चैनल में, हैवी में जी। इसमें 3 फैन है, 14, 16, 18 का हेड है और एलिवेटर लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये एलिवेटर जो? हाँ, ये ट्रॉली भरता है जी ये। अच्छा, अच्छा, ये 2 इन बने, नीचे भी निकालती है। अच्छा, अच्छा, अगर अच्छा, आप नीचे चाहो नीचे भी निकालेगी और ऊपर चाहो तो ऊपर ट्रॉली भरेगी ये। अच्छा अच्छा, क्या ऊंचाई पर, यानी काफी ऊंचे? हाँ, ट्रॉली में जाएगी सीधी, ट्रॉली में जाएगी। हाँ, यानी कोई भरने का नहीं, कोई सिस्टम नहीं, लेबर की कोई जरूरत नहीं है, हेड लगाने का या जो नहीं कोई सिस्टम नहीं, और सीधे आप गेहूँ साफ करेगा, ट्रॉली भर देगा, ट्रॉली भरेगा जी जी। और इसमें जो नया मॉडल है इसमें कोई और सुधार भी है, कोई नई गुंजाइश है बैरिंग वगैरह या कोई और सिस्टम नहीं, इसका खास बना हुआ? नहीं नहीं, इसमें बैरिंग पूरे नए होते हैं, बैरिंग की तो कम से कम 4-5 साल तक खराब होते ही नहीं है इसके। तो ये भी आपके 3 फैन में? हाँ, ये भी 3 फैन में, चैनल में, टोटल पूरी चैनल में है। हाँ, तो ये निकासी कितनी करेगी भाई साहब? ये भी उतनी करेगी, 1 घंटे में 75-80 मन घंटा कर सकती है ये। गेहूं बिल्कुल नहीं कटेगा, भूसा बढ़िया बनेगा? नहीं, गेहूं कटेगा, गारंटी हमारा फोरमैन जाएगा वहीं, जहां मशीन लेंगे वो। नहीं, सर्विस मौके पे किसान बिल्कुल देते हैं जी। हाँ, तो वहीं मौके पे सर्विस देंगे, बिल्कुल देंगे। ये इसकी कीमत क्या माने चंदन भाई? इसकी मानो मेरे यहाँ 2,90,000 रुपए। अच्छा, ये 10,000 रुपए? हाँ एक्स्ट्रा, हाँ 10-12,000 रुपए एक्स्ट्रा है जी। तो चंदन भाई, इसमें जो आप ये एलिवेटर जो लगा रहे हैं, तो इसमें एलिवेटर का ये जो इसका जो ये ढोंढा है और इसकी जो पंखा ही तो अतिरिक्त है, कुछ और भी काम इसमें अतिरिक्त हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इसमें कटोरी होती है। अच्छा, जो कटोरी अपने नीचे से नाज ले जाकर ट्रॉली में डाल देती है जी 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 सर। तो चंदन भाई, इसके अलावा और कौन कौन सी नई कटर आपके पास इस बार आई है, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा? और उधर है दूसरी साइड में सर जी। चंदन भाई, आपके पास बहुत दूर दूर के किसान कटर खरीदने आते हैं जी सर, तो और क्या आप अता पता बताइए पहले, क्या पता है यहाँ? सर मैं खुर्जा का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, खुर्जा तहसील, अग्रवाल फाटक। अपने टेलीफोन नंबर बताइए चंदन भाई। मेरा 9837290976। तो किसान कुछ अपनी फरमाइश की कटर बनवाना चाहते हैं तो क्या वो? हाँ, वो बन सकती है ऑर्डर पे, वो हमें ऑर्डर देंगे तब बन के आएगी बाद में। तो पहले कितना कुछ ना कुछ जमा कराना? हाँ, पैसा 10-15 हजार जमा कर दो, आ जाएगी बन के। कितने दिन में तैयार करा के दे सकते? 8-10 दिन में। 8-10 दिन में बिल्कुल। कोई भी साइज का, किसी कैसे भी, हाँ, या कोई भी फरमाइश का किसान कटर बनवाना चाहता है तो आप उसे उपलब्ध करवा सकते हैं? बिल्कुल कराएंगे सर। किसान भाइयों, आपने देखा सुना समझा, ये खुर्जा के चंदन ठेकेदार हैं और वर्षों से ये कटर का काम कर रहे हैं। आप अपनी फरमाइश या मनपसंद का भी कटर इन्हें ऑर्डर देकर के बनवा सकते हैं। और यदि आप जो इनकी यहाँ कटर बिक रहे हैं, जिन कटरों का यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में चलन है, वो 150 कटर इनके यहाँ हर समय उपलब्ध रहते हैं। आप बुलंदशहर आ सकते हैं, बुलंदशहर में खुर्जा और खुर्जा में अग्रवाल फाटक, किसी को पूछ करके इनके गोदाम पर आ सकते हैं। इनका टेलीफोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं।